Welcome back to Mission 360. So today we will be continuing our chapter Understanding Secularism. इससे पिछले के वीडियोस में हमने काफी चीजें देख ली हैं इस चैप्टर की, जैसे what is actually the essence of secularism, secularism मूल शब्दों में होता क्या है, अगर normal शब्दों में secularism को समझे तो वो क्या है, which is separation of state from religion. उसके बाद हमने ये देखा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकुलरिज्म, कैसे सेकुलरिज्म नहीं होगी तो इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स सफर करेंगे, कैसे एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकती है, कैसे कंट्री का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, कंट्री का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो खुद में डेमोक्रेटिक नहीं रह जाएगा अगर कंट्री सेकुलर नहीं है. तो अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म. व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये मैंडेट किया है, मतलब कि ये अप्लाई किया हुआ है, यानी कि ये कंपल्सरी है कि इंडियन जो स्टेट है, इंडिया जो कंट्री है वो सेकुलर है. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अ सेकुलर स्टेट कैसे रियलाइज होता है कि एक कंट्री सेकुलर है कि नहीं? अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेकुलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर द फॉलोइंग. मतलब कैसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कोई भी एक स्टेट, कोई भी एक कंट्री सेकुलर है या नहीं, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? पहला, एक रिलीजियस कम्युनिटी किसी और रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर रही होगी. ऐसा हो सकता है कि अगर सेकुलर नहीं है तो जो रिलीजियस कम्युनिटी मेजोरिटी में है ना, वो माइनॉरिटी वाले को डोमिनेट करे, लेकिन सेकुलर कंट्री में ऐसा नहीं होता, डेट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर. फिर क्या है, सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. हमने क्या देखा था पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा था व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव सेकुलर कंट्री, सेकुलरिज्म इन अ कंट्री, क्योंकि रिलीजन को इंटरप्रेट करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं. जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें भी अलग अलग मान्यताएं हैं, ठीक है, सब लोग हिंदू धर्म को अलग अलग से फॉलो करते हैं, लेकिन अगर पावर उनके हाथ में होगी जो हिंदू धर्म को किसी तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, तो वो क्या कोशिश करेंगे कि वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो जैसे मानते हैं, वो जैसे फॉलो करते हैं, उनकी जो प्रैक्टिसेस है वो बाकियों को भी पर भी थोपने की कोशिश करेंगे. तो एक ही रिलीजियस कम्युनिटी है लेकिन उसी के कुछ लोग जो कि पावर में है वो दूसरे उसी धर्म के दूसरे लोगों को डोमिनेट करेंगे. तो यहाँ पे क्या है कि सेकुलर कंट्री में ऐसा भी नहीं हो सकता है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी. अब क्या है, जो थर्ड है वो है कि स्टेट यानी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है, कंट्री जो है वो कोई भी एक रिलीजन सब पे इन्फोर्स नहीं करेगी. ऐसा नहीं है कि कोई उसको ऑफिशियल रिलीजन है तो वो इन्फोर्स करेगी कि हाँ जो भी यहाँ पे रहेगा फ्रीडम के साथ वो इसी धर्म को फॉलो करेगा, ऐसा भी नहीं होता है. ठीक है, तो ये भी एक उसका की फीचर है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इंडियन स्टेट है ना, मतलब कि इंडिया जो हमारी कंट्री है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरीके से काम करती है कि जो अबव डिस्क्रिमिनेशन, हमने तीन तरीके के डिस्क्रिमिनेशन पढ़े ऊपर, कि एक रिलीजियस कम्युनिटी दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकती है, एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के कुछ लोग दूसरे मेंबर्स को डोमिनेट कर सकते हैं, या फिर स्टेट क्या कर सकती है, इन्फोर्स कर सकती है एक पर्टिकुलर रिलीजन ओवर अदर इंडिविजुअल्स की सबको यही धर्म फॉलो करना है ऐसा करके. लेकिन एक सेकुलर कंट्री में ये तीनों चीजें नहीं हो सकती, और इंडिया जो है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन तीनों ही तरीके के डिस्क्रिमिनेशन डोमिनेशन को प्रिवेंट करता है. कैसे प्रिवेंट करता है, तो जो पहली स्ट्रैटेजी वो यूज करता है, फर्स्ट इट यूजेस अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन. मतलब कि इंडिया, जैसे हमने पिछले भी वीडियोस में कई बार ये एग्जांपल लिया है कि जब इंडिया कहते हैं ना, तो वो क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है तो हमारे दिमाग में कोई और धर्म नहीं आता है जो कि इससे एसोसिएटेड है. लेकिन यही मैं आपसे कहूँ, पाकिस्तान तो एक धर्म एसोसिएट होकर के आ रहा है उसके साथ इस्लाम, सऊदी अरेबिया एक धर्म एसोसिएट होकर के आ रहा है उसके साथ इस्लाम, मतलब कि उसका एक ऑफिशियल रिलीजन है, इसलिए जब भी उन कंट्रीज का नाम लिया जाता है ना तो दिमाग में उसका धर्म भी एसोसिएटेड आ जाता है. लेकिन इंडिया के साथ ऐसा कोई धर्म एसोसिएटेड नहीं आता क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, उसका कोई धर्म नहीं है, कोई ऑफिशियल सा रिलीजन नहीं है. ठीक है, द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप. कैसे, अच्छा, इसकी जो स्ट्रैटेजी है कि इट डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम अदर फ्रॉम रिलीजन, वो कैसे ये फॉलो करता है कि कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी इंडियन स्टेट को गवर्न नहीं करती. हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है,
हम इलेक्ट करते हैं, अब लोग जिसका शासन चाहेंगे उसका शासन चूज करेंगे। अगर कोई एक गवर्नमेंट को चूज किया गया वो अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसे अगली बार हटा दिया जाएगा वोटिंग के थ्रू, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं कि कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी या फिर ग्रुप इंडियन स्टेट को नहीं रूल कर रहा है, ठीक है, ना ही इंडिया की, इंडिया जो कंट्री है वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट कर रही है। अब सपोर्ट कैसे किया जा सकता है, जब हम एक धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे उसका, उसको प्रमोट करेंगे तो वो होता है उस धर्म को सपोर्ट करना, ठीक है। लेकिन इंडिया किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि जो भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं आप खुद में जो भी प्रैक्टिसेस अपने रिलीजन की करना चाहते हैं दूसरे रिलीजन को हार्म किए बिना वो आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी रिलीजन को अपनी आप से सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि जो इंडिया के गवर्नमेंट स्पेसेस है जैसे कि कोर्ट्स हो गए, लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स, ऑफिसेस, वहां पे ऐसा नहीं, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी जो कि किसी एक धर्म को प्रमोट करती हो, ठीक है। अगर कुछ होगा तो सारे धर्म के लिए बराबर होगा, अगर कुछ स्पेशल नहीं होगा किसी भी धर्म के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है गवर्नमेंट हाई स्कूल का, जिसमें कि एक लड़की जो रहती है वो एक रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगती है, जो कि शायद दिवाली है, तो दिवाली को सेलिब्रेट करने की परमिशन मांगती है, लेकिन हेडमास्टर जो होते हैं ना वो उसको मना कर देते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो गवर्नमेंट स्कूल क्या करता है, जैसे यहाँ पर अगर हम ये स्टोरी पढ़े तो क्या है, इन अ गवर्नमेंट स्कूल इन सीमापुर स्टूडेंट्स वांट टू सेलिब्रेट अ रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। तो लड़की सर से बोलती है, सर देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ, वी हैव नेवर सेलिब्रेटेड इट इन स्कूल, कैन वी डू इट दिस ईयर, हमने कभी इस रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में नहीं सेलिब्रेट किया तो क्या इस साल ये कर सकते हैं। तो टीचर कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, हम, ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट स्कूल्स में ये पॉसिबल हो, लेकिन रिलीजियस गवर्नमेंट स्कूल्स में किसी भी एक रिलीजियस फेस्टिवल को प्रमोट नहीं कर सकते, किसी भी एक रिलीजियस फेस्टिवल को नहीं मना सकते, उस दिन हमारे लिए एक हॉलीडे रहेगी, ठीक है, और हम उसे नहीं मना सकते गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल क्या है, गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट क्या करती है, वो किसी भी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करती या फिर किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करती। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है ना वो किसी भी रिलीजन के, रिलीजियस के कार के लिए नहीं यूज हो सकती है, क्योंकि कोई भी रिलीजन सपोर्ट नहीं किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। जो भी चीजें होंगी वो सभी के लिए बराबर होंगी, यानी कि हर किसी के, चाहे वो इस्लाम का फेस्टिवल हो रिलीजियस, चाहे वो हिंदू का फेस्टिवल हो रिलीजियस, चाहे वो सिख का हो, नॉर्मल जो चीजें सबके लिए होंगी कि हॉलीडे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू का फेस्टिवल है तो हर जगह वो मनाया जा रहा है, हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह में मनाया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता, सबके लिए बराबर है कि सारे के फेस्टिवल्स में छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, तो वही वो रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं सेलिब्रेट कर सकते, हो सकता था प्राइवेट में कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स को अपनी आज़ादी है, वो जो रिलीजन सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए अगर दूसरे धर्म को हार्म किए बिना जो भी स्टेप्स लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, जैसे कि मदरसा हमारे इंडिया में अलाउड है क्योंकि वो इस्लाम धर्म को प्रमोट करने का एक तरीका है और उससे किसी और धर्म को कोई हार नहीं होता है, तो आप मदरसा खोल सकते हैं और मदरसा में जो भी ईद है या फिर इस्लाम के जो भी फेस्टिवल्स हैं वो आराम से मनाए जा सकते हैं। वैसे ही अगर हिंदू स्पेसिफिक कोई एक स्कूल खोलना है तो वो खोल सकते हैं और वहाँ पर हिंदू के फेस्टिवल मना सकते हैं जैसा आप चाहें, ठीक है। फिर क्रिश्चियन स्कूल कई सारे होते हैं तो वहाँ पर देखिए मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है, तो मना सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं हो सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन या फिर किसी भी एक, हाँ, रिलीजियस कम्युनिटी को या फिर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करती, प्रमोट नहीं करती। तो ये हो गया एक तरीका, एक स्ट्रैटेजी कैसे स्टेट सेपरेट करता है, खुद को डिस्टेंस करता है फ्रॉम रिलीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द अबव स्टोरी बोर्ड द सेलिब्रेशन ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजियस इक्वली, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन, गवर्नमेंट स्कूल्स किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, ना ही उनके मॉर्निंग प्रेयर्स में, ना ही उनके रिलीजियस सेलिब्रेशंस में, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें प्राइवेट स्कूल्स को नहीं अप्लाई होती, केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स को, ठीक है, कि किसी भी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आगे जो इस चैप्टर में आगे कंटिन्यू करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, हाउ इज द सेकेंड वे कि इंडिया सेकुलरिज्म मेंटेन करता है। अंटिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।